उड़ीसा प्रदेश की सरकार ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द सेंटर, हम हर प्रकार के चैलेंज को, चाहे वो जमीनी हो या आसमानी हो, बिलोंग्स टू द अर्थ आर द हेवंस, हमारी वो ताकत है कि हम उसको फेस करते हैं। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी देश के रेलवे मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी, पूरा मीटिंग को रिव्यू करने के पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग और सभी डॉक्टर्स, सभी पैरामिलिट्री, जितने भी फार्मेसिस्ट हैं, जितनी मेडिसन्स हैं, यानी एक सेकंड के अंदर आप देखिए 900 लोगों का लाइन लग गया है ब्लड देने के लिए। इसलिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जिधर से लोग आए हुए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन था, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, वो अपने माता पिता को जाकर मिल सकते हैं। लेकिन जो नहीं रहे हमारे बीच में, दुर्भाग्य से, उनके घरों की भी चिंता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्कल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो सब उनकी चिंता पूरे कर रहे हैं। आप सब ने भी महसूस किया होगा कि कितने लोग किस प्रकार से सेवा करने के लिए तत्पर हैं। मुझे लगता है कल शाम के 7 बजे से लेकर अभी तक, और कल का 7 भी बज जाएगा, ऐसे कब 48 घंटे तक लगातार लोग, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, आप सब लोग हैं, एक पैर पर खड़े हैं। तो इस प्रकार की सेवा की भावना, और हम सब समझते हैं कि अपना प्रदेश उड़ीसा प्रदेश, हम फनी का मुकाबला करते हैं, तितली का करते हैं, बुलबुल का करते हैं, हम तो हुड़बुड़ सबका मुकाबला करते हैं, और विश्व में हमने नाम भी कमाया है। इसलिए इस चैलेंज को भी हमने एक्सेप्ट किया है, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने उत्कल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम, ये सब मिलकर इसका मुकाबला कर हम इसमें कामयाब होंगे। हाँ, जो लोग चले गए हैं, उनके परिवारों की भी चिंता करने का, भरण पोषण करने का, उनका केयर एंड शेयर करने का भी जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री जी ने, रेलवे मिनिस्टर ने और मुख्यमंत्री ने ली है।